जैसे कुंडल जी ने कहा, पिछले 7-8 महीनों से दफ्तर बंद पड़ा था। पार्टी के जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे पार्टी को आगे तक ले जाने के लिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं समझा। जिन लोगों ने काम किया उनको दरकिनार कर दिया गया, जैसे प्रदीप मित्तल था, मनीष सिन्हा था और थोड़ा बहुत गौरव शर्मा। उसके बाद किसी ने सीरियसली काम नहीं किया। मुझे लगता है कि इनिशियली दफ्तर बंद पड़ा है पिछले 7-8 महीनों से, तो किसी ने बॉदर नहीं किया दफ्तर खोलने के लिए। वर्कर को झंडा, टोपी और मफलर देने के लिए फोन करो, वो भी बंद है। तो ये ओवरऑल हमने देखा लीडरशिप जो है अरविंद केजरीवाल की, वो ठीक, प्रोग्राम पॉलिसीज बहुत अच्छे, पीपल फ्रेंडली, सरकार भी दिल्ली में उन्होंने जो काम किया वो भी सराहनीय है, पंजाब में भी सराहनीय है। लेकिन जहां तक जम्मू की बात थी, जम्मू में लोगों को वो उम्मीदों पे पूरा खरा नहीं उतर सकी उनकी, जो आगे फैलाने के लिए जो पार्टी टीम जिम्मेदार थी, चाहे प्रभारी थे चाहे सह प्रभारी थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने सलाह की, हमारे वर्कर परेशान हो रहे थे तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस्तीफा दिया। और पार्टी की लीडरशिप को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, वो अपने कामयाब हों अपने आने वाले एंडेवर्स में, लेकिन हमारा अलविदा।